राम राम भाई लोग। तो फाइनली आज मैं आपको ऐसा एक डिटेल बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपका मन खुश हो जाएगा। अगर आप ब्लॉगर हैं या स्टूडेंट हैं, कहीं पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप ब्लॉगर हैं कहीं पे ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि आप फ्री में कैसे रह सकते हैं, कहीं भी स्टे कर सकते हैं, कौन सी ऐसा योजना है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में डिटेल में। राम राम भाई लोग। तो फाइनली हम लोग हिलसा में पहुंच चुके हैं, नालंदा जिला में जो पड़ता है। तो यहाँ पे आने के बाद ये ठहरने का व्यवस्था जो था, तो होटल तो था नहीं, और बीपीएससी का एग्ज़ाम चल रहा है तो बहुत सारे लोग थे, तो हम लोग इधर उधर टहल रहे थे। लेकिन एक योजना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट दोनों द्वारा फंडित होता है। अपने भैया भैया बताएंगे, ये भैया थोड़ा बताइए तो कौन सा योजना है। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना है, ये रैन बसेरा है हिलसा का। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत यह चलता है, ये नगर परिषद इसे मिलकर सब लोग चलाते हैं। इसमें कितने लोगों का मतलब सीट यहाँ बनता है? 25 लोग का सीट है। इसमें महिला के लिए अलग कक्ष है और जेंट्स के लिए अलग कक्ष बनाया गया है। वो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मैं हाँ, अंदर आपको दिखाऊंगा कि महिला के लिए कैसा व्यवस्था है और जेंट्स के लिए कैसा व्यवस्था है। और आने के बाद मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनका जो बिहेव भी था तो आपको नहीं लगा कि मतलब फ्री है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसे होता है बहुत अच्छा से, मतलब जैसे रिसेप्शन पे होटल के द्वारा होता है, तो ऐसा व्यवस्था था। और बाकी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है। चलिए, ये ऑफिस है इनका, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बैनर लगा हुआ है। और ये जितने भी लोग सोए हैं, महिला हो या पुरुष, वो सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में सारे लोग हैं। तो ये यहाँ से ऑफिस से ये लोग देखते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं ऑफिस मतलब सिंपल है लेकिन अच्छा है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे, रात का समय है, 11 बज रहा है, तो बहुत अभ्यर्थी आए हैं और अपना यहाँ पे एंट्री हो रहा है। इस टाइप से एंट्री होता है, और एंट्री के समय आपको आधार कार्ड लगता है, उसके बाद आपको सिग्नेचर करना पड़ता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर आप बिहार में कहीं भी जा रहे हो तो रैन बसेरा ज़रूर सर्च मारना कोई भी सिटी में, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत ही आरामदायक और अच्छा है। तो ये खासकर स्टूडेंट के लिए और मजदूर तबके लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है। मिलते हैं फिर। तो ये रूम का व्यवस्था है जिसमें लोग सोए हैं, तो ऑलरेडी ये फुल हो चुका है। इसका भी बेड का काउंटिंग होता है, तो उसके बाद देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं। और वो बोले हैं कि मैनेज करके हम लोग को भी मतलब इसमें बेड देंगे, तो सारी व्यवस्था अच्छा है, बेड भी सही है। तो चलिए बात करते हैं कैसे वो मैनेज फाइनली करते हैं। हम लोग यहाँ पे आने के बाद जगह 3-4 लोगों का था, लेकिन बहुत सारे लोग जुट गए थे। उसके रिगार्डिंग भैया एक्स्ट्रा मेहनत करके और अपने एडजस्ट कर रहे हैं सबको। तो भैया आपको कैसा लग रहा है? हम लोग खोज रहे थे, नहीं मिल रहा, उसके बाद मिलने के बाद आपको कैसा अनुभव लग रहा है? अच्छा लगा हमको। तो ये गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हर जिला में होना चाहिए, हर स्थान पर होना चाहिए, इस तरह का व्यवस्था बहुत जरूरी है बिहार में। क्योंकि देखो, मैं भी बिहार से हूँ, दूसरे जिला से, तो मेरे जिला में नहीं है, मतलब मैं जिस शहर से हूँ नहीं है, तो इसके बारे में हमको मालूम नहीं था। लेकिन यहाँ आने के बाद इसके बारे में हमको मालूम चला, तो ये हमको बहुत ही अच्छा लगा। और फिलहाल मतलब सही है, मेन व्यवस्था हो गया मिलने का, रहने का उतना काफी है। और बाकी मैं बताता हूँ मॉर्निंग में, रात में कैसा रहता है और मॉर्निंग में क्या। चलिए फिर मिलते हैं। फाइनली मॉर्निंग का समय हो चुका है और यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो रात भर का एक्सपीरियंस इस रैन बसेरा में बहुत ही अच्छा रहा हम लोग का। आप लोग यहाँ से हम निकलेंगे, सारा अपना बैग पैक कर लिए हम लोग। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।